हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अपने चैनल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें कि हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हमें 3rd चैप्टर पढ़ना था, जो कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। ठीक है, हमने यहाँ पे मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे और भी सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है, और भी जैसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर देखिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मतलब अपलोड होते ही आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? पहली बात, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में 31 से लेकर के 36 तक के चैप्टर हैं, और ये मतलब कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि किसी भी इवेंट के होने और ना होने पे वो जो होता है वो हमारे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मतलब अगर ऐसा कोई इवेंट जिसके होने पे या ना होने पे, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आप लोग अगर हमारे पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम, आपने पढ़ा होगा कि वेजरिंग, जो हम लोगों ने पढ़ा था वेजिंग, वो तो इलीगल है। उसमें भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ही हम लोगों ने पढ़ा था, वो तो वॉइड है। क्या कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हैं? तो इन दोनों में डिफरेंस है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड नहीं होते। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे देखिए, मैं जो भी एग्जांपल दे रही हूँ वो सारे इस बुक में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इलस्ट्रेशन है, तो आप लोग रीड ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल देखिए। ए ने कहा कि अगर भी तुम्हारा घर जल जाता है किसी भी कारण, तो मैं तुमको 1000 रुपये दूंगा। अब ये आप सोचिए, ये क्या मतलब हुआ? अगर हाउस जल जाता है तो 1000 रुपये दूंगा, देगा, तो मतलब ये तो मतलब कि नेगेटिव लग रहा है कुछ तो, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आप लोगों को मालूम होगा, इंश्योरेंस होते हैं, इंश्योरेंस इसीलिए होते हैं अगर कुछ भी ख़राब होता है तो उसमें वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो उसी हिसाब से अगर बी का मतलब पॉजिटिव वे में है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर बी का हाउस किसी भी रीजन वर्स जलता है तो वो 1000 रुपये पे करेगा। ठीक है, पर वेजरिंग में क्या है, जैसे कि अब किसी की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग में ए ने कहा कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और बी ने कहा अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो जो वेजरिंग में है उसमें दोनों तरफ से लेन देन हो रहा है, पर जो हमारा ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिर्फ एक तरफ से ही दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारा घर जलता है तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन क्या बोलता है आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। अ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट हैपन। मतलब वही होने वाले इवेंट और ना होने वाले इवेंट पे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 32, जो कि बोलता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट ऑन द इवेंट हैपनिंग। देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं। पहला, अगर कोई भी इवेंट है, एक हैपनिंग पे हो सकता है, एक नॉन हैपनिंग पे हो सकता है, नॉट हैपनिंग। ठीक है, अब जो 32 सेक्शन है वो हमारा बताता है अगर हैपनिंग कोई इवेंट होने वाला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, पढ़िएगा, लिखा है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस कैन नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ अनलेस एंड अंटिल इवेंट हैज हैपेंड। देखिए, जैसे कि ये बोला गया कि ये अगर होता है तो मैं मतलब कि ये अनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। इसका एग्जांपल से समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे ये ए हैं और ये बी हैं, ये ए की डॉटर हैं, ठीक है, यानी बेटी हैं, और इन्होंने क्या कहा सी से, अगर तुम मेरी डॉटर से शादी करते हो तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। ठीक,
अगर मान के चलिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया उसी टाइम ये इनकी डॉटर की डेथ हो जाती है और ये नहीं रहती हैं, तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ना, एंड इफ़ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड। मतलब अगर इन्होंने इनसे शादी का कहा कि इनसे शादी कर लो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा इनको ले, और अगर इन्होंने इनसे शादी कर ली इन्हें 100 रुपये मिल जाएंगे, यानी हैपनिंग की बात की है, पहले तुम इनसे शादी कर लो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर तुम पर यहाँ पे एक इम्पॉसिबिलिटी लिखा हुआ है पढ़िएगा, तो वो बोलता है अगर मान के चलिए अगर ये मर जाती है किसी भी कारण तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं समझा देती हूँ, दो चीज़ें इसमें बताया है। अगर किसी हैपनिंग इवेंट को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, अगर वो नहीं होता है तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा, अगर हो जाता है तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। पर यहाँ पे एक इम्पॉसिबिलिटी को जोड़ा गया है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला था पर उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, हम इसका दूसरा वीडियो भी बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 33। हमारा बोलता है कि इवेंट जब नहीं हैपन हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो देखिए ये भी देखिए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव वे में होते हैं पर वेजरिंग पॉजिटिव नहीं होते हैं, ये मत समझिएगा। अब देखिए इसमें हैपनिंग हुआ कि ऐसा होता है तो मैं तुम्हें इतना पैसे दूंगा, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये तो सही है, और इसमें आप पढ़ रहे होंगे तो नॉन हैपनिंग लिखा है तो लग रहा होगा शायद ये नेगेटिव होगी, नहीं होगा तो ऐसा होगा, पर मैं बता दूँ ये दोनों ही पॉजिटिव वे में हो लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल इसका देखिए, इसका एग्जांपल मान के चलिए, ये मैं इसके इलस्ट्रेशन ही बता रही हूँ, पढ़िएगा ज़रूर। ठीक, ए अग्री करते हैं, ए और बी हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट ए बी सी अलग हो सकता है लेकिन इलस्ट्रेशन वही है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इन्होंने शिप भेजी, ठीक है, इन्होंने कहा अगर ये शिप तुम्हारी 1 साल के अंदर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा इसका। यानी जैसे इंश्योरेंस कंपनियों में होता है ना कि अगर जैसे कि किसी का लाइफ इंश्योरेंस है, अगर वो इंसान मर जाता है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं हेयर्स हैं उनको वो पैसा मिल जाता है, तो उसी तरह से ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर ऐसा हो, अगर आपकी शिप नहीं आती किसी कारण, डूब जाती है, जल जाती है, कुछ भी हो जाता है और नहीं आती है तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है 34 कि, एक मिनट, 34 बोलता है व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्टीजेंट टू बी डीम इम्पॉसिबल इन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। देखिए ऐसा कोई कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी लिविंग पर्सन से है, उसके किसी फ्यूचर के कंडक्ट से है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब इम्पॉसिबल हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ये ए हैं और ये बी हैं, इन्होंने देखिए जैसे इन्होंने कहा सी से आप इनसे शादी करिए मैं आपको 100 रुपये दूंगा। ठीक, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नॉर्मल है, सी सिंपल है। पर क्या होता है, इन्होंने उससे पहले डी से शादी कर ली, समझ में आ रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इनसे किया कि आप शादी करोगे तो 100 रुपये दूंगा, पर क्या किया इन्होंने, इनसे शादी कर ली पहले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। मतलब ऐसा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो कि किया गया इस तरह पर इस प्रकार से हो, और ये अगर हो जाता है अब तो इनसे शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, अब नहीं हो सकती है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया, किसी लिविंग पर्सन के थ्रू वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इम्पॉसिबल हो जाता है, नहीं हो सकता है आगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो वॉइड होंगे। ठीक है, पर एक और इसमें इलस्ट्रेशन में ही आगे ऐड है, क्या ये अभी तो ये इम्पॉसिबल हो गया, लेकिन फिर भी एक क्या है धारणाएं रखी जाती हैं आगे का सोच के, कि लिखा हुआ इंटर ये हमारे इलस्ट्रेशन में कि मान के चलिए डी की मृत्यु हो जाती है। ठीक, ये निपट गए, अब बची ये,
अब तो ये इनकी शादी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और ये 100 रुपये इनको मिल जाएंगे। समझ में आया? देखिए बहुत सिंपल है, आप एक बार बस रीड करिएगा, 3-4 लाइनों का सेक्शन है, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना सिंपल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए, 35। अब 35 में दो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैपनिंग पे हो सकता है, नॉन हैपनिंग पे भी हो सकता है। अब वो जो हैपनिंग है, नॉन हैपनिंग है, उसका टाइम ड्यूरेशन बताया है। समझ में आया? मतलब वो इवेंट स्पेसिफिक टाइम पे हो जाता है या स्पेसिफिक टाइम से नहीं होता है, ठीक। दो सिचुएशन हो गई दोनों, मतलब कि पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है अगर अगर टाइम पे हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, ठीक है। ये भी ऊपर वाले ही सेक्शंस की तरह है, अगर बोला गया है कि अगर सॉरी जैसे कि लिखा हुआ है, देखें अगर ये ए हैं ये बी हैं, ठीक, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई तुम्हारी ये जो शिप है, ये जो जा रही है, वो शिप अगर 1 साल में आ जाती है तो ठीक है, अगर 1 साल में नहीं आती ये शिप तो मैं आपको 100 रुपये दूँगा, 1000 रुपये दूँगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब कि इस स्पेसिफिक अगर 1 साल के भीतर आ गए तब तो कोई बात नहीं, अगर 1 साल के अंदर नहीं आई, उसे ज़्यादा लैप्स हो जाता है तो वो 1000 रुपये इनको देने पड़ेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट ये बोलता है नॉन हैपनिंग, यानी अगर कोई भी इवेंट नहीं हैपन होगा, नहीं मतलब कि जो भी इवेंट होने वाला था वो नहीं होगा, तो वो हमारा नॉन हैपनिंग हो जाएगा। हम लोग मतलब कि ऊपर वाला इलस्ट्रेशन इसमें भी ऐड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है अग्रीमेंट्स कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, ऐसे कोई अग्रीमेंट्स जो कि इम्पॉसिबल हैं वो वॉइड होंगे। देखिए जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप जो ये स्टार्टिंग का सुन लेते हैं बस उतना ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब हर चीज़ घुमा फिरा के वही चीज़ इसमें बताया है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, नॉन कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स सॉरी नॉन हैपनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से हैं, अगर उसका स्पेसिफिक टाइम बता दिया, नॉन स्पेसिफिक मतलब कि जो स्पेसिफिक टाइम पे नहीं हुआ वो बता दिया है ना। अब बताया है जैसे कि अग्रीमेंट्स जो कॉन्टीजेंट अग्रीमेंट्स है जो इम्पॉसिबल है इवेंट, देखिए जो ऐसे अग्रीमेंट जो कभी हो ही नहीं सकता वो अग्रीमेंट, इसमें इलस्ट्रेशन एक बताया है, 2 स्ट्रेट लाइन को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, 1000 रुपये लिख लो है, 1000 रुपये दूंगा, तो क्या ये आपस में जुड़ सकती हैं? बिल्कुल नहीं जुड़ सकती। ऐसा कोई इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता है वो ऑलरेडी वो वॉइड ही अग्रीमेंट होगा, वॉइड ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट सेक्शन हमारा नेक्स्ट चैप्टर का है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और चैप्टर हमारा 4 है, द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज अगर आपको किसी भी सेक्शन में क्वेरी रह जाती है या कुछ नहीं समझ में आता है आप हमको कमेंट करिएगा, हम उसको वापस से समझाएंगे, और साथ में हम केस लॉज भी इसके अलग से अपनी सीरीज़ लाए हैं, आप उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना केस लॉज के ये बहुत ही मतलब आंसर आधा माना जाता है, इसलिए केस लॉज आपको ढूंढने भी नहीं पड़ेंगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट के अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। कैसा लगा लेक्चर इसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हमारे लॉ वाली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप हमसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू।